अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजिम के पेट्स। तो यार अभी चलना पांचवा दिन हो चुका है बगैर धूप के, बिल्कुल जो है ना आज भी कोई सूरज निकलने के आसार कोई नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में यहाँ पे होगा सूरज इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है ना वाइट वाइट है बाकी जगह की नस्बत, लेकिन फुल जो है ना आसमान कवर्ड है, कोई जो है ना इसमें सूरज निकलने के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और इसलिए जो है ना मैंने बिल्कुल जो है ना अपने जो पिजन्स वगैरह थे, ये कुछ तो जो होते हैं ना, ये जो जो है ना उधर वहाँ पे ठहरे रहते हैं, वहाँ पे एक ये वाली फीमेल होगी, एक ये होगी, इसका मुझे रात को नहीं पता चला था कि जो है ना ये किधर गायब था। तो ये अब तीन जो है ना सिर्फ यहाँ पे निकले हैं, बाकी सारे जो है ना उनको मैंने पक्का अंदर जो है ना बंद किया हुआ ताकि कोई भी जो है ना बाहर ना निकले, उनको ठंड वगैरह ना लगे। बाकी ये जो डक्स वगैरह है ना, डक्स जो है ना ये खुली घूम रही होती है, इनको जो है ना वैसे कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों, इनको शायद ठंड नहीं लगती। और बाकी जो है वो तो उनके ऊपर तो छत है, तो खैर वैसे इसके सामने भी लगाना तो चाहिए, तो वो मैं लगाऊंगा। लेके आनी है मैंने जो है वो शीट सी होती है ट्रांसपेरेंट, जिससे धूप लगे तो जो है ना वो भी इन सारों को उसके अंदर से जो है क्रॉस होकर इनको धूप भी लगती रहे, वैसे जो है ये फिर ठंड वगैरह से भी जो है ना बचते रहेंगे। तो खैर अच्छा, अभी आज हमने जो है ना एक काम करना है, वो ये काम है कि जो है ना उधर घर के सामने वो सामने जो जगह नज़र आ रही है वहाँ पे जो है ना वहाँ से मिलती है तूड़ी, भूसा जो नहीं होता वो उसको लेके आना है और जो है ना उसको इंसानों के जो है ना केजीज के अंदर जो है ना वो डालना है, ताकि जो सही होता है कि जो है थोड़ी गर्माइश वगैरह जो है ना इनको मिलती रहेगी ठंड में। तो अभी सबसे पहले जो है ना इनको मैं खोल देता हूँ, खाना वगैरह डालता हूँ, उसके बाद जो है ना उधर जाते हैं सामने और वहाँ से जो है ना तूड़ी लेके आते हैं इनके लिए। चलो भाई इनको यहाँ से ये हटा दे पहले, और अरे ठीक है ये भी ठीक है, यहाँ से हमारे किंग पिजन आ जाओ भाई, अब इनको हटा लेते हैं यहाँ से, बाहर निकालें सारों को। काफ़ी असल में ये है ना कि ठंड है तो इसलिए मैं इनको इतनी जल्दी निकालता नहीं हूँ, फ़ायदा नहीं है, धूप तो निकलनी नहीं है, जिस दिन धूप निकली उस दिन इनको फिर जो है ना जल्दी बाहर निकाल देंगे। आ जाओ भी सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेक करें कितने प्यारे लग रहे थे सारे इकट्ठे निकलते हुए। आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, यहाँ पे पहले बच्चों को देख लें, ठीक है ये वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब तो डर ही लगा रहता है कि जो है ना ऊपर आएंगे पता चलेगा बच्चा मरा पड़ा है, लेकिन शुक्र है आज ठीक है दोनों। तो ये मैंने इनको जो है अभी ऊपर डाल दिया है खाना कबूतरों के लिए, और नीचे जो है यहाँ डक्स और कबूतर यहाँ नीचे भी खा रहे हैं मिक्स होके, तो अभी बाकी जो है ना असीलों को भी मैं देता हूँ। और ये वाला जो केज है ना ये हो गया था खाली, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से जो हाई फ्लायर पिजन है ना मेल फीमेल इन दोनों को पकड़ के जो है ना दोबारा अंदर बंद कर दिया है कि चलो अब केज खाली है तो उसका फ़ायदा जो है ना इनको मिल जाए, तो हो सकता है यहाँ पे अभी ब्रीडिंग करके जो है ना अंडे वगैरह दे दें, तो अब इनको जो है अंदर ही बंद रखेंगे जब तक ये जो है ना अंडे नहीं देते। तो ये अंदर जो असीलों को भी मैंने डाल दिया है, और कल जो है ना यार यहाँ पे मैं आया और ये जो जगह है ना यहाँ पे एक मुर्गी ने जो है ना अंडा दिया हुआ था, ये पता नहीं है कौन सी जगह इसने नई ढूंढ ली है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चला कि जो है ना कौन सी मुर्गी अंडे दे रही है। तो अभी तो नहीं पड़ा हुआ, तो फिर बाद में रात को आके जब मैं इनका पानी वगैरह गिराता हूँ तब आके इनको चेक करूँगा कि जो है ना दोबारा वहाँ पर किसी मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया। और बाकी इनको जो है अभी मैंने खाना वगैरह डाल दिया है, पानी इनको भी डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं नीचे और जो सामने से जो है वो तूड़ी लेके आनी है ना वो लेके आते हैं और फिर इनके केजेस में डालते हैं, ताकि इनको जो है ना उससे थोड़ी हीट वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड होती रहे। तो यार ये जो है ना बोरी अभी मैंने ले लिया, अब इसको चलते हैं और इसके अंदर जो है ना फिर वो सामने जो है घर के सामने एक जगह है वहाँ से जो है ना भूसा डलवाते हैं इसके अंदर, और फिर जो है ना जो सारे केजेस है ना उसमें डालेंगे यहाँ पे। ये इसमें वो तूड़ी तो भर दें, कितने की आएगी इसमें? सारा भर दें जितने की आई फिर बता दें।
अब ये ना महीने बाद रोज नहीं लेंदा कोई ना क्या अपने खर्चे करी जाओ यार ये जो ना अभी अंकल जो है वो भारे हैं उसके बाद फिर जो है लेके जाते हैं वापस फिर जो है ना वैसे टाल बोलते हैं इसको यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह होती हैं सारी जिसको कोई जलाने के लिए चाहिए हो तो वो यहाँ से आके जो है ना ले जाते हैं वैसे किसी दिन हम भी जाना अपने पेट्स के लिए जाना ऊपर छत पे जाना जलाएंगे यहाँ से लकड़ियाँ ले के हाँ ये काम शुरू कर दिया जब देखा ऐसा सेट होगा मार्केट अब जो है इसको करने लगे हैं वेट इसका क्या कितना वेट है टोटल कितनी बनी 200 रुपए की अच्छा कितने पैसे किलो है नहीं ये टोटल कितने किलो है 6 किलो ठीक है तो ये जो है ना ले लिए इसमें फुल जो है ना भरवा ली है तो अभी फिर जो है ना इसको ऊपर जाके अपने बर्ड के केजिस में डालते हैं ओए होए होए चलो भाई ये आ गई तुम लोगों की ये देखें जी ये है इसमें जी भूसा फुल भरा हुआ तो अभी जो है ना इन सारों से जो है ना देखेंगे डालने किस किस में एक तो डालेंगे इधर डालेंगे यहाँ पे बच्चे होते हैं या वैसे मेरा तो दिल है एक दफ़ा पहले साफ कर दूँ अंदर से उसके बाद फिर इसमें डालता हूँ अंदर क्योंकि ऐसे तो फिर गंदी है अंदर सारा तो वो एक दफ़ा साफ करके ना उसके बाद इसमें डालते हैं ताकि साफ सफाई हो अंदर उसके बाद फिर जो है ना भूसा डालें इनके अंदर और ये वाला जो है इसमें तो लाजमी डालना है यहाँ पर भी हमारे पिजन्स वगैरह हैं और बच्चा भी है उनका एक तो यहाँ पर भी डालते हैं तो यार ये थोड़ी बहुत जितनी जो है इसमें सफाई हो सकती थी वो मैंने कर दी है तो अब लेके आते हैं जी तूड़ी और वो जो है ना फिर डालते हैं इसके अंदर ये रही बल्कि ऐसे जो है ना इसके अंदर उल्टा ही देते हैं इसको जो है इससे पकड़ के ये वैसे थोड़ी है और डालता हूँ इसके अंदर अब देखें आप बिल्कुल जो है ना ऐसे भरी सी लग रही है और इधर आओ भाई बच्चे तुम इधर आओ इसको यहाँ निकालते हैं और इसकी जो वो जहाँ पे बैठा हुआ है ना उस जगह पे भी डालते हैं थोड़ा सा और भूसा ताकि इसको भी गरमाइश जो है ना वो मिलती रहे यहाँ पे डाल दिया उधर की तरह घुस गए उसकी जगह पर तुम इधर आओ अपनी जगह वापस आओ ये तो उसके माँ बाप तुम्हें मारेंगे इधर चला गया और तुम अब इधर आओ इसको उठा के यहाँ से ये इसकी जगह भी जो है ना भर गई है चलो वापस जाओ बेवकूफ़ इधर किधर जा रहे हो यार ये तो चेक करें कितना प्यारा हो गया तो फुल इसके इतने बड़े बड़े पारा आ गए हैं ये देखें चलो भाई इधर जाओ अपनी जगह पे बैठो यहाँ पे ये देखें बैठ गया ये ये वाला जो है ना केज ये भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये जो दो ओए होए ये तो यहाँ पे अंडों में बैठा हुआ है चलो खैर इसको जो है डिस्टर्ब नहीं करते हल्का सा इधर रख देते हैं ऐसे अगर इसने फैलाना वाला तो खुद ही फैला लेगा ये देखें ये भी ठीक हो गया ये भी पूरा कवर्ड हो गया फिर मज़ीद अगर थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर मैं और ला के जाना
डाल दूंगा इसके अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है, ये वाला केज भी, ये देखें ये भी कंप्लीट हो गया। इधर से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। बच्चा देखें आराम से बाहर घूम रहा है। अभी असल में हो गए बड़े, वे तो डरे ही ना किसी दिन यहाँ से बाहर निकल जाए, इनको कोई चील ही उठा के ले जाए खुदा ना खासा। वही अपने अपने जगहों पर रहो तुम दोनों, ऐसे बाहर ना घूमो। अब बारी आ गई जी इनकी, इनका भी पहले केज जो है वो मैं साफ करता हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, और उसके बाद फिर जो है ये डाल के देते हैं इनको। ये वाला भी हो गया कंप्लीट। अब बारी है हमारे इन किंग पिजन्स के केज की। तो ये किंग पिजन्स का भी कवर्ड हो गया, और यहाँ पे जो वो हाई फ्लायर थे यार, वो उनको मैंने, ये भी मैं डाल रहा था अंदर जो है तूड़ी, और वो दोनों जो है अंदर से निकल के वो उधर सामने उधर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बैठा हुआ है और दूसरा वो मेल जो है ना वो ऊपर बैठा हुआ है। तो खैर रात को आके जो है ना इनको मैं दोबारा पकड़ के जो है ना इधर अंदर जो है ना दोबारा बंद कर दूंगा। तो ये भी कवर्ड हो गया और ये भी कवर्ड हो गया पूरा। अब जाते हैं अंदर, वहाँ पे देखते हैं। तो ये जो जहाँ हमारा ये बेबी पिजन था, इस केज में भी जो है ना मैंने सारा कवर कर दिया है। और खैर वैसे तो यहाँ पे पहले ये इनके अंडे थे ब्लैक वालों के, तो अभी वहाँ से मैंने फिर कल उठा के फेंक दिया था क्योंकि उसमें बच्चा नहीं बंद रहा था। ओए होए ओए 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 यार पागल हो गए बेवकूफ़ लड़ना शुरू हो गए आपस में पता नहीं क्यों। खैर यार फिलहाल जो है ना आज के लिए जो है ना इतना काफ़ी है कि बाहर वाले जितने भी केजेस थे ना वो सारे मैंने कवर्ड कर दिए हैं, वो एक आखिरी रह गया। लेकिन अभी जो है ना असल में देर हो रही है, मैंने कहीं जाना है, तो बाकी जो है ना कल आके ये बची हुई है इतनी ज़्यादा जो है ना तूड़ी है बची हुई है, तो ये बाकी कल आके हम वो उनका फिल करेंगे। और उसके बाद जो है एक वो रहता है, और वो जो अंदर वाला जो केज है ना वो वहाँ पे जहाँ पे मैंने अंदर बंद किए हुए थे वहाँ पे आके जो है ना हम फिल करेंगे तुम लीजिए। तो खैर ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर दे लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।